दीप ने नेत्रा को भी उसी तरह फंसाया जिस तरह हमें फंसाया, अपने धोखे के जाल में फंसाया उसे, तो उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे धोखा दे दिया, इसलिए वो दीप से बदला लेना चाहती है। नेत्रा दीप की बर्बादी चाहती है। तुम्हें आज तक अपना दुश्मन समझती रही, मगर आज मैं तुमसे कह रही ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, यहाँ के लोगों से बहुत दूर चली जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, जान से मारी जाओगी। आखिरी बार समझा रही, जिस मकसद को हम लेकर चल रहे हैं उसमें जिंदगी और मौत की बाजी लगी हुई है, किसी एक का मरना तय है, या तो या नेत्रा या दी। इस बार थोड़ा ट्विस्ट है तारा के कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज यूजुअली यू ऑल मस्ट हैव सीन कि तारा जब भी यू नो दीप और आरोही को एक साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जान से मारने की कोशिश करती है आरोही को। सो ऑब्वियसली दिस टाइम आल्सो शी इज हर्ट एंड उसका मन तो किया कि वो आरोही को जान से मारते, बट एज आई जस्ट सेड कि तारा के कैरेक्टर में इस बार थोड़े से चेंजेस आए हैं, थोड़ा ट्विस्ट आया है और इस बार वो चली गई है आरोही के पास कुछ कन्फेशंस करने और यू नो बहुत सारी बातें रिवील होती है वहाँ पे, जो कि थोड़ी ट्विस्टिंग है बिकॉज नोबडी कैन एक्सपेक्ट तारा टू बी लाइक दिस, बट दिस टाइम शी हैज़ यू नो शोन हर डिफरेंट अवतार। जो आरोही भी थोड़ा डिसबिलीफ में है तारा को लेकर, जो आरोही और दीप पीछे एक मोमेंट है, एक लवी डवी मोमेंट है जो कि तारा देख लेती है एंड ऑब्वियसली यू नो तारा वो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शी इज अपसेट, शी इज एंग्री, शी इज हर्ट और इसीलिए वो जाती है उसके बाद आरोही के पास, जाती है उसे जान से मारने के लिए या फिर अपना वो नया अवतार दिखाने के लिए जो एकदम से